बात कहता हूँ, पाकिस्तान में बड़ी बहस चलती है ऑर्गेनिक डाइट्स पे। मैं भी ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक होता क्या है, ग्रोइंग फ्रॉम नेचुरल थिंग। ऑर्गेनिक मीन डजेंट मीन कि आप अपनी डाइट में वो गंदी खादें शामिल करें। पाकिस्तान के मैदे उड़ाने में खाद इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। और ये इंडोनेशिया से आए हुए भाई मुझे बता रहे थे कि इंडोनेशिया पूरे में इसबगोल का छिलका नहीं मिलता, वो इसबगोल का छिलका रखते नहीं, पाकिस्तान से लेके जाते हैं। क्यों नहीं मिलता ये बताएंगे, वो लाइट गिजाएँ खाते, क्या खाते हैं इंडोनेशियंस जी? इंडोनेशियन राइस खाते हैं, ये जो राइस खाते हैं इंडोनेशियन जी, वो ऑर्गेनिक होता है, बारिश के पानी से वो पकता है, कोई खाद नहीं यूज़ करते किसी फसल में, चाहे ये अपनी अदरक हो गई उधर होती है, एवोकाडो फ्रूट होता है, राइस होता है, सब चीज़ें जो भी, कोई वो खाद वाद नहीं डालते, बारिश डेली होती है, बारिश के पानी से पकती है और वही चीज़ हम खाते हैं। पाकिस्तान की खुराक से उनकी खुराक 1000 दर्जा बेहतर है। खाते कोई क्या? ये राइस, बतख का गोश्त, सी फूड और ये देसी सब्जियों में सब चीज़ें हैं हमारी, ये करेला है, भिंडी तोरी है, कद्दू है, सब सब्जियां हैं। खाद नहीं, खाद नाम की कोई चीज़ नहीं। सही, बिल्कुल। तो देखिए ना, हमने जितना, और वो तंदुरुस्त लोग हैं बिल्कुल, अच्छा। ऐसे हमसे तगड़े हैं और उनकी है। एज जो है, जिसका घर मैंने रेंट पे लिया हुआ है, उसकी एज होगी 98 साल। सही, और मेरे से वो तगड़ा आदमी। सही सही, 100-100 साल उम्र है। हाँ, तो अब आप खुद देख लें कि हम लोगों ने अपनी डाइट में जो ये शामिल किया है, इसने कितना नुकसान पहुंचाया है, कितना इसने मेदों को उड़ाया और किस कदर इसने जो है हमारी ज़िंदगियों को वो किया है। तो खाद, अब हमारे पास कोई हल भी तो नहीं है ना, कि अदर देन दैट वी कैन नॉट ग्रो इट। बस वो असल में वो उनके यहाँ लालच नहीं है, वो कुदरती बारिश के पानी से हमारा नहरी निज़ाम तो है नहीं, आबादी का है ना, खाना भी नहीं है। हाँ, हमने जो आबादी, ये एक जिसे तू ग्रास समझता है, ये बेहतर यही होता है कि अगर वो चढ़ा लिया जाए तो ये हशर ना हो, और अगर वो नहीं भी चढ़ाना तो आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए। ये मेहरबानी करें कि इस चीज़ को कंट्रोल करें, कि अपनी जो है ना आबादी को कंट्रोल करें। जब पॉपुलेशन डिज़ास्टर होता है तभी आपको ब्रायलर मुर्गियाँ चाहिए, स्टीरॉयड के टीके लगी मुर्गियाँ चाहिए, स्टीरॉयड वाले अंडे चाहिए, तभी आपको फर्टिलाइज़र से ग्रो की हुई सब्जियां चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बूम है, खाएंगे किधर से, पहली गरीब की रोटी पूरी नहीं हो रही। ब्रायलर मुर्गी ना होती ना, कम से कम पाकिस्तान में किसी को गोश्त नहीं मिलना था, ये बात याद रखें, जाहिर है। और अगर खाद कूद ना होती तो हमें सब्जियां भी नहीं मिलनी। हम लोगों ने इतना आबादी का डिज़ास्टर कर दिया है, कोई बंदा कंट्रोल करने को तैयार नहीं है आबादी को, कि आबादी को कंट्रोल किया जाए और कुछ शर्म की जाए। हम ये नहीं कर रहे और तबाही देख लें, फिर खादे हैं, मेदे हैं, तबाही। थैंक यू वेरी मच।